प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 जुलाई तक इजराइल के दौरे पर रहेंगे। मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी का यह दौरा सैन्य लिहाज से काफी अहम बताया जा रहा है। भारत और इजराइल पिछले कुछ समय में एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। सिर्फ सैन्य ताकतों के हिसाब से ही नहीं, कूटनीति के हिसाब से भी मोदी के इस दौरे की काफी अहमियत है। 90 के दशक से ही भारत और इजराइल के बीच सैन्य संबंध मजबूत होते रहे हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते को मजबूती देने में इजराइल की हथियार बेचने की मंशा भी रही है। इसमें 1999 के करगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए लेजर गाइडेड बम और मानव रहित हवाई वाहन शामिल रहे हैं। मुश्किल के समय में भारत के अनुरोध पर इजराइल ने लगातार भारत की मदद की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने भारत अभी भी इजराइल से काफी हद तक हथियार खरीदता है। मौजूदा समय में इसराइल मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, UAV, टह लेने वाली तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और गोला बारूद इसराइल बड़ी मात्रा में भारत को मुहैया कराता है। भारत और इजराइल की बढ़ती दोस्ती से भारत से बैर रखने वाले कई देशों को दिक्कत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर इजराइल ने भारत को मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, UAV, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी अहम तकनीक दी है। वहीं इससे उलट इजराइल ने चीन को अवक्स सिस्टम बेचने से इनकार कर दिया, पर उसने भारत को यह सिस्टम दिया।